ये DSSSB का नोटिफिकेशन आ गया है और बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली है। आपने थंबनेल में पूरा देख ही लिया होगा, जनरल के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, अब देख लीजिए, इन्होंने बीएससी और 12th पास और 10th पास इस लेवल पे बहुत सारी वैकेंसी निकाली है। उसमें और क्या एलिजिबिलिटी मांगी है, कितनी सैलरी रहेगी, क्या एज लिमिट है, सारा कुछ आपको बताया जाएगा और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, इसलिए वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो देख लीजिएगा जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट आज निकाला है, डीएसएसबी का अगर बात करें तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, दिल्ली सरकार द्वारा कराया जाता है, लेकिन इसमें आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, आप किसी भी प्रदेश के हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए, ये 17 तारीख से इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और 15 सितंबर जो है उन्होंने लास्ट डेट रखी है। ठीक है, अब वैकेंसी की बात कर ले तो देख लीजिए, इन्होंने बहुत सारी वैकेंसी निकाली है, 1841 टोटल वैकेंसी निकाली है। म्यूजिक टीचर की 181 है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी की 581 वैकेंसी है, वहीं पब्लिक असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, फोटोग्राफर की 3 है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि किसमें इन्होंने कौन सी एजुकेशन मांगी है। ठीक है, अभी इनकी टोटल वैकेंसी आप देख लीजिए, फोटोग्राफर की 3 है, सर्विलांस वर्कर दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सर्विलांस वर्कर के लिए 13 वैकेंसी है। ठीक है, वहीं लेबोरेटरी असिस्टेंट दिल्ली जल बोर्ड के लिए 11 वैकेंसी निकाली है इन्होंने, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, ठीक है, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लिए इन्होंने 5 वैकेंसी दी हैं, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक में 5 वैकेंसी हैं, वहीं पर लेबोरेटरी असिस्टेंट की इन्होंने 3 वैकेंसी निकाली है, लेबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक में 7 वैकेंसी हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी में देख लीजिए इन्होंने 5 वैकेंसी निकाली हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी 9 वैकेंसी हैं, वहीं साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक में 7 वैकेंसी हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स में 2 वैकेंसी हैं, लैब असिस्टेंट में इन्होंने 138 वैकेंसी निकाली है, लैब असिस्टेंट में इन्होंने 138 वैकेंसी निकाली है, वहीं पर असिस्टेंट ओटी के लिए 118 वैकेंसी निकाली है, टेक्नीसियन की 72 वैकेंसी है, इसी तरह टेक्निकल असिस्टेंट की 8 वैकेंसी है। ठीक है, तो इस तरह इन्होंने करके बहुत सारी वैकेंसी निकाली है, पूरा देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। ठीक है, अब मेन मुद्दे पे आ जाएं कि इन्होंने बीएससी और 12th पास और 10th पास कहाँ कहाँ मांगा है। ठीक है, तो ये टीजीटी वाले तो हम छोड़े दे रहे हैं, टीजीटी वाला आप देख लीजिए, अगर आप लोगों के यहाँ घर में कोई टीजीटी या पीजीटी वाला हो तो उसको दिखा लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो बीएससी और 10th पास और 12th पास के लिए है, तो देख लीजिए, पब्लिसिटी असिस्टेंट की वैकेंसी इन्होंने निकाली है, उसके लिए बैचलर डिग्री मांग रहे हैं इंग्लिश या हिंदी। ठीक है, आपने इंग्लिश या हिंदी में बैचलर किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने बैचलर डिग्री नहीं है तो 3 ईयर का ग्रेजुएशन आपने जर्नलिज्म में अगर किया है, मास कम्युनिकेशन में किया है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह फोटोग्राफर के लिए देख लीजिएगा, फोटोग्राफर के लिए इन्होंने 10+2 मांगा है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप 10+2 अगर आप पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सर्विलांस वर्कर के लिए देख लीजिए, टोटल 13 वैकेंसी इन्होंने निकाली हैं, उसमें ये मैट्रिक मांग रहे हैं। ठीक है, अगर आप 10+ साइंस से हैं, अगर आपने 10वीं साइंस से पास किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसी लिए लेबोरेटरी असिस्टेंट देख लीजिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट में 11 पद हैं ये टोटल, इसमें ये डिग्री मांग रहे हैं, डिग्री आपने यानी बीएससी अगर साइंस बीएससी केमिस्ट्री से किया है तो आप इसमें कब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीएससी साइंस से नहीं है, केमिस्ट्री से नहीं है, तो आपने इंटरमीडिएट साइंस और केमिस्ट्री से किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा केमिकल लेबोरेटरी में। वहीं पर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की बात करें तो उसमें इन्होंने 5 वैकेंसी निकाली है, इसमें एमएससी जूलॉजी और बाटनी मांग रहे हैं ये। ठीक है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक में देख लीजिए ये एमएससी फिजिक्स और मैथमेटिक्स मांग रहे हैं, उसी तरह लेबोरेटरी असिस्टेंट फोटो के लिए ये डिप्लोमा इन फोटोग्राफी मांग रहे हैं और ग्रेजुएट मांग रहे हैं। आपने ग्रेजुएट साइंस में किया है और डिप्लोमा अगर आपके पास फोटोग्राफी का है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक के लिए मैथमेटिक्स बीएससी विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मांग रहे हैं, 7 वैकेंसी निकाली बैलिस्टिक में, लेबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक के लिए। ठीक
ठीक है, अब साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की बात कर लें तो इसमें 5 वैकेंसी इन्होंने निकाली हैं। इसमें मास्टर डिग्री जूलॉजी, अगर आपने एमएससी जूलॉजी या बायोटी में किया है या ह्यूमन बायोलॉजी में किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वेतनमान की बात करें तो इनका वेतनमान 92,392,000 से ऊपर जा रहा है। ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी में देख लीजिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी में टोटल 9 वैकेंसी हैं। इसमें बीएससी बॉटनी या जूलॉजी मांगी है, अगर आप बॉटनी जूलॉजी में बीएससी हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक की एक और भर्ती इन्होंने निकाली, 7 वैकेंसी। इस तरह पूरा देख सकते हैं आप। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर आप बीएससी फिजिक्स हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री आप फिजिक्स भी मांगी है इन्होंने लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स के लिए। ठीक है, ये टोटल 2 वैकेंसी हैं। तो इस तरह बहुत डीएसएस भी जो है दिल्ली सबॉर्डिनेट की वैकेंसी हैं, दिल्ली सरकार की वैकेंसी हैं, लेकिन आप पूरे भारत में किसी भी प्रदेश के में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन जॉब के साथ बहुत बेहतरीन सरकारी नौकरियां हैं ये। ठीक है, तो ये देख लीजिए, टेक्नीशियन ओटीडी में मांगी है, 10th मांगा है इसमें, 10th हो या 10th+2 अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन असिस्टेंट ओटी मांगा है, इसमें भी देख लीजिए 10th 10+2 मांगा है। साइंस से अगर 10th 10+2 साइंस से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर मांगा है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर मांगा है, उसमें मैट्रिक मांगा है, 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है इन्होंने। इस तरह आप देख लीजिए, बहुत बेहतरीन वैकेंसी है। अभी इनका 17 अगस्त से इनका ऑनलाइन रिक्रूटमेंट चालू हो जाएगा, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, और 15 सितंबर लास्ट डेट है। तो ध्यान रखिएगा, चैनल में पहली बार आए और आप चाहते हैं कि इस तरह अपडेट जॉब और करियर से रिगार्डिंग आपको डेली बेस पर मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा।